सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नोकिया फेल हो रहा है इंडिया में और क्यों वो इतना कोप अप नहीं कर पा रहा कंपटीशन के हिसाब से और सपोर्ट भी नहीं दे पा रहा, और क्यों मुझे मजबूरन उस पर कंज्यूमर कोर्ट केस करना पड़ा। मतलब कि इतना चहीता ब्रांड, जैसे आप सबका वैसे मेरा भी सबसे चहीता ब्रांड है। सो इसलिए मैंने नोकिया पर ट्रस्ट किया था और नोकिया का फ़ोन लिया था, नोकिया 7 प्लस। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई मेरे को, तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा आपको। एक एक्चुअल यूज़र, मतलब नोकिया का यूज़र हूं मैं, तो भाई क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, कैसे मैंने कंपनी के साथ डील किया, क्या हुआ, सब कुछ बताता हूं आपको। तो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो अगर शुरू से शुरू करें तो मैं आपको बता दूं कि नोकिया ब्रांड को 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था, और उसके बाद फिर जो नोकिया के पुराने एग्जीक्यूटिव जो काम करते थे कंपनी में, उन लोगों ने मिलकर एक HMD ग्लोबल कंपनी खोली, जिससे 2016 में फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से वापस नोकिया का नाम खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन्स बनाना स्टार्ट कर दिया फिर से, और उसके बाद सबसे पहले आया नोकिया 80 को, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 6। ठीक है, ये सारे फ़ोन्स आए और इंडिया में भी लॉन्च हो गए थे 2018 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वही जो पुराने सर्विस सेंटर्स थे, ये वो जो भी था उनका, वो स्टार्ट किया। सो फ़ोन अच्छे आए, काफ़ी हैवी प्राइस में आए, मतलब बहुत महंगे थे, तो भाई ब्रांड वैल्यू उसकी थी अच्छी, तो लोगों को दिक्कत नहीं हुई खरीदने में। और सबसे पहली बात, सबसे प्यारी बात, कि वो स्टॉक एंड्रॉयड दे रहे थे 2 साल का गारंटेड अपडेट्स, और वो एक्चुअल में दे रहे हैं आज भी, ऐसी बात नहीं है। सो हर चीज़ अच्छी कर रहा था, फिर गड़बड़ क्या हो रही थी। सो अगर मैं नीचे लेवल पे बताऊँ तो मैं एज अ कंज्यूमर नोकिया, मैंने फ़ोन यूज़ किया 2018 में जब नोकिया 7 प्लस लॉन्च हुआ था अप्रैल में, और मैंने अगस्त में ख़रीद लिया था फ़ोन। ख़रीद लिया मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए था, और स्टॉक एंड्रॉयड में उस टाइम पे भी और अभी भी नोकिया, मोटरोला या 1 प्लस, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो शॉमी कभी कभार Mi A1, Mi A2 लॉन्च कर देता था, तो मेरे पास ऑप्शन है Mi A2 या फिर ये मोटरोला। लेनोवो जब ख़रीदा, टेक ओवर किया, तो ख़राब हो चुका फ़ोन, उसके बाद से वो ढंग के फ़ोन बना ही नहीं रहा। अदरवाइज़ मैंने मोटो जी जो फर्स्ट गूगल ने लॉन्च किया था वो मैंने यूज़ किया था, बहुत प्यारा फ़ोन था, वो एक्चुअल में स्टॉक एंड्रॉयड था, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसमें लिमिटेड स्टोरेज था। खैर वो बात की बात है। तो मैंने फिर चूज़ किया नोकिया 7 प्लस, ख़रीद लिया, 1 साल यूज़ किया, उसके बाद चार्जिंग की इश्यूज़ आने लग गई, चार्जिंग पोर्ट में प्रॉब्लम आने लग गई। सो ये चार्जिंग पोर्ट, उसमें इंश्योरेंस मिलता है सर्विफाई का, ठीक है, तो मैं वैसे नॉर्मली दिखाने गया तो बोला कि पानी है इसके अंदर, आपका वारंटी में आएगा नहीं है, ये हो गया। मैंने ठीक है इंश्योरेंस क्लेम कर लेते, 750 रुपये मैंने दिए इंश्योरेंस वालों को। नोकिया का सर्विस सेंटर आपको पता ही होगा, जैसे कि कंपनी सर्विस सेंटर खुद नहीं चलाती, वो थर्ड पार्टी को दे देती है, तो वैसे ही SS टेक्नो केयर से मेरा पाला पड़ा, कोई होगा जो भी होगा थर्ड पार्टी, तो वो हो गया ठीक। उसके बाद फिर 1 साल बाद फिर ख़राब हो गया, मतलब कि 2018, फिर 2019 में मैंने रिपेयर कराया, इंश्योरेंस के अंदर था, उसके बाद इंश्योरेंस खत्म हो गया, 2020 में फिर से ख़राब होने लग गया चार्जिंग पोर्ट। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप जाके ऑनलाइन देखेंगे ना, आप सर्च भी करेंगे नोकिया 7 प्लस चार्जिंग पोर्ट प्रॉब्लम, अपने आप आ जाएगा, देखिए कितने सारे आर्टिकल्स हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम है ये, ठीक है। उसके बाद उसने, नोकिया ने एड्रेस किया, ठीक है, नोकिया 6.15 प्लस ओनर्स फॉल्टी चार्जिंग पोर्ट्स, ठीक है, नोकिया ने एड्रेस भी किया, और नोकिया ने ऑफ़र किया कि 5.1 प्लस 6.1 प्लस 7.1 8.1 का वो फ्री में चार्जिंग पोर्ट ठीक करेंगे। तो जब पहले जो पुराने वाले फ़ोन जो थे, जो नोकिया 7 प्लस हैं, जो भी खरीदे उन लोगों ने, ये तो बाद में आए, क्यों नहीं दिया गया उनको ऑप्शन? इनको तो दिया गया कि वारंटी ख़त्म हो गई फिर भी आप चार्जिंग पोर्ट का ठीक करा सकते हैं। कुछ एक प्रॉपर तरीका निकालना चाहिए था, जब प्रॉब्लम चल रही है, सबके साथ चल रही है, तो पुराने मॉडल्स में भी होगी, और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, आप सर्च करेंगे, आप डालेंगे नोकिया 7 प्लस चार्जिंग, अपने आप आ जाएगा पोर्ट प्रॉब्लम इश्यूज़, ये वो कुछ भी कर लो, आप ओरिजिनल चार्जर से चार्ज कर लो, नई केबल लगा लो, कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम आती आती है। अब आप ऐसा तो है नहीं कोई अपना नया पोर्ट लगा लेंगे या नई चिप लगा लेंगे, जो बनी हुई आ रही है मोबाइल के साथ वैसी ही लगा सकते हैं ना, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आज अभी फिर से मैंने अभी ठीक कराया है फ़ोन बाहर जाके करोल बाग में, फिर से इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सो ये बहुत ही मेजर फ्लॉ है, मतलब कि यार आप चार्जिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, और चार्ज नहीं होगा तो फ़ोन कैसे चलेगा, मतलब पॉइंट ही नहीं है ना फ़ोन का। तो ये तो बहुत ही बड़ा मेजर फ्लॉ है बिल्ड क्वालिटी इशू में, ये तो बहुत ही फालतू चीज़ है ये। उसके बाद अब सेकंड फ्लॉ, मैंने क्यों केस फाइल किया, क्योंकि मैं फ़ोन का, मतलब फ़ोन से सनराइज़ बना रहा था अपने छत पे, टेरेस पे, और फ़ोन ऐसे टेढ़ा था, टिल्टेड था, और ट्राइपॉड पे लगा हुआ था, ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से मैं बना रहा था, और वो अचानक से मैं हटा दूर
स्क्रीन अपने आप निकल के नीचे गिर गई और फूट गई, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन निकल के फूट गई, मैंने कुछ नहीं किया है, फ़ोन उस पर ही लगा हुआ था। अब उस टाइम मैं कोई रिकॉर्ड तो करूँगा नहीं कि भाई मेरा फ़ोन कैसे लगा हुआ है ये वो, तो ये मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखिए ये फ़ोन की स्क्रीन निकल के चली गई। और आप देखिए अगर नीचे से गिर के भी टूटता तो यहाँ पे भी डेंट आता साइड में कॉर्नर में, तो जहाँ पे शटर हुआ है ग्लास अगर आप देखेंगे नीचे कोई डेंट नहीं है, देखिए पूरा क्लीन पड़ा है। तो मानने को तैयार नहीं है, फिर मैंने नोकिया को क्लेम किया, दोनों नोकिया को ईमेल किया, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में उन्होंने मेल वेल का रिप्लाई किया ये वो, फिर उन्होंने बोला कि भाई आप भिजवा दो सर्विस सेंटर और हम देखते हैं। तो फिर हर जगह इनका यही आ रहा था कि आप सर्विस सेंटर भिजवा दो सो डैट वी कैन असिस्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैंने कहा ठीक है भाई बेस्ट पॉसिबल मैनर, शायद कुछ और हेल्प करेंगे। हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, बस ये पर्चा थमा दिया कि भाई आपका बिल है 10,213 रुपये का, आपको ठीक कराना है तो कराओ, नहीं कराना मत कराओ। मैं फिर आपको ईमेल क्यों किया, आपसे सपोर्ट क्यों मांगा, प्रॉब्लम आप लोगों की है ना, क्योंकि जो सर्विस सेंटर में गया था ये फ़ोन की जब तक स्क्रीन नहीं खुलेगी आप चार्जिंग पोर्ट चेंज नहीं कर सकते। तो जो सर्विस सेंटर में गया था 2019 में फर्स्ट टाइम जो चार्जिंग पोर्ट चेंज हुआ है उसने ढंग से ग्लू नहीं लगाया। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम में, आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो ये जो साइड साइड में दिख रहा है आपको एल्युमिनियम का जहाँ पे ये फ़ोन चिपकता है, देखिए ग्लू लगा हुआ है पहले का, तो इतनी इतनी सी जगह तो वो ग्लू है ठीक है, उस पर चिपकाते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चिपका नहीं सकते क्योंकि आपको फ़ोन एक्सेस करना है ना, तो वो यहीं से होगा, स्क्रीन निकल के ही होगा, अदरवाइज कोई पुर्जा नहीं खुल सकता, पीछे से कुछ नहीं खुल सकता, ये पूरा सील्ड है, सिर्फ स्क्रीन खुलेगा। तो अच्छे से सील भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है कि बाद में खुल सके आपका। अगर मैं शॉमी का भी मेरे पास फ़ोन है, इसकी भी स्क्रीन टूट गई थी, मैं ये रिपेयर कराने गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं रिपेयर कराने गया तो क्या मेरे को सच बात पता चली। पहली बात, जब 2019 में जब मैंने चेंज कराया चार्जिंग पोर्ट तो उसने मेरे को बताया जहाँ पे मैंने अभी चेंज कराया कि ये तो शोल्डर्ड है, मतलब कि ये रिपेयर्ड है, इंश्योरेंस में प्रोडक्ट चेंज होगा रिपेयर नहीं होगा। तो ये एक तो इंश्योरेंस बोल के जो बकवास चीज़ की उन लोगों ने, सर्विफाई का फ्री इंश्योरेंस दिया, उस पर रिपेयर किया इस चार्जिंग पोर्ट को, ना कि चेंज किया चिप को ठीक है। मैंने ये चेंज करा लिया, उसके बाद उन्होंने दिखाया मेरे को कि जो रेडमी शॉमी के फ़ोन्स होते हैं उस पर एक प्रॉपर एक फ्रेम होता है जो इसके साथ अटैच होता है स्क्रीन के साथ, और वो फ्रेम को चिपकाया जाता है आपका फ़ोन के साथ, तो पूरा स्क्रीन नहीं चिपकाया जाता ताकि ईजी रहे निकालना, और उसमें प्रॉपर रबड़ का होता है और प्रॉपर तरीका होता है चिपकने का उसका। सो इस पे अगर कोई चीज़ चिपकाएंगे तो कितना चिपकेगा आप मेरे को बताइए, ढंग से चिपकेगा ही नहीं, स्क्रीन तो कभी ना कभी तो गिरेगी, और वो मेरे साथ हुआ और गिर गई। अब मैं क्या गलत कर रहा हूँ आप मेरे को बताइए, मैंने केस फाइल किया इसलिए किया कि भाई क्वालिटी इशू है, तो तुम्हारी क्वालिटी इशू है, तुम्हारे पास जगह ही नहीं है चिपकाने की, तुम पूरा स्ट्रॉन्ग चिपका भी नहीं सकते, वरना आगे के लिए दिक्कत है, खुलेगा नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और अभी फिर से चार्जिंग पोर्ट का इशू आ गया है, क्या करूँ मैं, मतलब कि मैं फ़ोन चार्ज नहीं करूँगा तो फ़ोन यूज़ कैसे करूँगा, कोई पॉइंट ही नहीं है इसका। तो ये सारी जो बहुत सारी क्वालिटी इश्यूज़ है इसलिए मैं रिकमेंड करने में भी डर लगता है, मतलब आप 12,000 का अगर नोकिया का फ़ोन लेने भी जाएंगे तो क्यों लें यार नोकिया का 12,000 का फ़ोन भी, क्या है उसमें ऐसा खास जो मैं उसका लूँ। स्टॉक एंड्रॉयड में आपको बताऊँ, स्टॉक एंड्रॉयड जो अपडेट देते हैं इतना बगी है ना, इतना बगी मैं क्या बताऊं, मतलब ढंग से कभी चलता ही नहीं, मतलब कोई अपडेट आ जाए जो बहुत अच्छा हो मज़ा आ जाए वो बहुत ही कम, मतलब एक साल में एक बार आ गया ना तो बहुत खुश होते हैं कि भाई ढंग का अपडेट आया, पहली बार ढंग से चल रहा है, एक भी अपडेट ढंग का नहीं आता, कुछ ना कुछ बग होता ही है, फ़ोन स्लो चलता है। आज इतना पावरफुल फ़ोन है, आपको पता होगा 2018 में फर्स्ट एंड्रॉयड 9 जो अपडेट आया था वो इसमें पुश किया गया था, मतलब 3-4 फ़ोन से जो हर कंपनी के चुने गए थे उसमें नोकिया 7 प्लस भी था, तो मतलब क्या है ये, और आज भी अपडेट्स आते हैं, मैं मानता हूँ गारंटेड अपडेट्स आते हैं, बट बग्स तो आ रहे हैं ना साथ साथ, तो क्या करेंगे उसका फास्ट अपडेट्स का, तुम अगर ढंग से अच्छे से अपडेट्स नहीं दे सकते तो फिर फ़ायदा ही क्या है फास्ट अपडेट्स का। आज वन प्लस भी अगर टाइम लेता है तो ठीक है वो अपडेट सही करके देगा ठीक है, मोटोरोला भी अगर टाइम लेता है सही करके देगा, पॉइंट ही नहीं है इसका फिर। तो नोकिया का मैं क्या करूँगा बताइए, दो साल की गारंटी का जब सॉफ्टवेयर ही ढंग का नहीं है, फ़ोन बहुत अच्छा है मैं मानूंगा, कैमरा दोनों के बहुत अच्छे हैं, स्कैनर में कोई प्रॉब्लम नहीं और टच स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग पोर्ट का प्रॉब्लम है और आपका सॉफ्टवेयर है मेन चीज़, तो आपकी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से काम करना है। मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आज 2018 से 2 साल हो गए कंप्लीट हो गए, मैं ज़बरदस्ती यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं चेंज करूँ ठीक है, और अभी मैंने स्क्रीन चेंज कराया बाहर जाके फिर लोकल,
क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे कंज्यूमर कोड में कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आपको जानना है कि कंज्यूमर कोड की वीडियो, सो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। और इसकी चार्जिंग पोर्ट के लिए मैंने एल टाइप की केबल ली ताकि अच्छे से चार्ज करे। मतलब अभी जब ठीक करा के लाया चार्जिंग पोर्ट भी इस साल मतलब 2020 में, उसके भी मैं वीडियो आई बटन में दे दूंगा अगर आपको टाइप सी केबल लेनी है। तो उसके बाद भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब वो एक साइड से नहीं चार्ज होता, मैं घुमाऊँ ना तब जाके चार्ज होता है। तो ये फिर से पंगा हो गया। अब क्या करूँ मैं, क्या फिर से जाऊँगा खर्चा करने? 1000 रुपये का पोर्ट चेंज होता है, चार्जिंग पोर्ट। तो ये सारी क्वालिटी इश्यूज थी, विच इज़ लाइक बहुत ही घटिया रहा मेरे साथ। और मेरी नोकिया के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई थी ऑन फ़ोन, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने क्या हेल्प कर दी मेरी? अगर मेरे को चाहिए होता ये 10,213 रुपये का कोट, तो मैं खुद जाके सर्विस सेंटर में नहीं दे सकता था फ़ोन? मैं आपको ईमेल क्यों करूँगा? किस बात का ईमेल करा? सपोर्ट के लिए क्या था? आपने सपोर्ट तो किया नहीं, आपने तो बस बोला कि हाँ सर्विस सेंटर ले जाओ, वहाँ रख दो, हम देखते हैं। तो क्या देखोगे भाई, हम खुद ही चले जाएंगे यार, खुद ही देख लेंगे, हमें तो पैसा बता ही देगा, हम खुद पे कर देंगे और खुद से सही करा लेंगे। तो 10,213 रुपये में क्यों दूँ जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज है? नो किया मतलब नो, बस। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सर्विस सेंटर्स बहुत ही बेकार है, थर्ड पार्टी दे रखा है। और कोई भी जेन्युइन मतलब जो पहले था ना नोकिया के सर्विस सेंटर्स, वो कमाल थे। आज सैमसंग के जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड था पहले उनका, लेकिन अब सर्विस सेंटर का तो बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड है। तो प्लीज़ नोकिया तो मत ही लीजिए, मतलब शॉमी उससे कहीं गुना अच्छा है। मैं बोलना नहीं चाहता था, मतलब मैं तो हैरान हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि शॉमी बहुत अच्छा है सर्विस में। मैंने कितनी बार, अभी एक दो बार हुआ है प्रॉब्लम, एक एक दिन या फिर 2-3-4 घंटे में ही मेरे को प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, बोला आ जाओ फ़ोन ले जाओ। मैंने कहा वाह कमाल है, सैमसंग का भी बेस्ट है सर्विस। सो नोकिया तो भाई ना ही ना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर वो सॉल्व कर लेना, सपोर्ट की, फ़ोन की, सॉफ्टवेयर की, आप, मैं अकेले नहीं बोल रहा, आप सर्च भी जाके करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, चल रही हैं। सो बस ये ध्यान रखिए, और मेरी तरफ से नो नो है नोकिया, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है इसका। मेरे को डर लगता है अब रिकमेंड करने में। मेरे को कोई पूछ रहा था कि नोकिया क्यों नहीं लिया आपने, मतलब फ्यूचर में अगर किसी का फ़ोन लेना है या कुछ है, मैं कभी रिकमेंड क्यों नहीं करता फ़ोन नोकिया का, क्योंकि है ही नहीं भाई ढंग का, ना तो पैसे में अच्छा, ना आगे का सपोर्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं खुद झेल चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँगा कैसा कि घटिया नोकिया फ़ोन खरीदो, सिर्फ ब्रांड या फिर स्टॉक एंड डॉट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मोटोरोला के साथ फिर भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, उसकी भी थर्ड पार्टी जो है सर्विस सेंटर्स हैं, मानता हूँ सबके होते हैं, आप बोलेंगे सबके हैं, बट इनके तो वर्स्ट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि नोकिया के लिए नो करिए, और कभी भी मत लीजिए नोकिया अनटिल अनलेस ये लोग ध्यान दें इस चीज़ पे। और अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, और मेरी जो कंज्यूमर कोड वाली वीडियो वो भी शेयर करें, ताकि हम बता सकें कि भाई हाँ हमें प्रॉब्लम हुई है, एक्चुअल में हम जेन्युइन हैं। मैं आपको सारे प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है अभी रेडी, कोई प्रूफ कर दे, दिखा दे कि ये फ़ोन मैंने गिरा के थोड़ा है, और मान जाऊँगा मैं कुछ भी मतलब। सो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस में कमी लाता हूँ, मेरे से होता नहीं है, बट मैं सोचा कि 2020 की जो नेगेटिविटी है वो सारी आज ही 2020 में निकाल दो, मैं न्यू ईयर में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने कहा अभी जल्दी से जल्दी आपको बता देता हूँ। सो बस यही बताना था आपको। सो उम्मीद है आप अवेयर रहेंगे और ट्रस्ट करेंगे कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद है आप लोग का जो एंड है वो अच्छा जा रहा होगा, और बस नया साल आने वाला है, सो बी रेडी एंड बी पॉजिटिव। बस टाटा बाय।